आए दिन जो है मैं वीडियो डालता रहता हूँ, कुवैत के बारे में बताता रहता हूँ आपको कि क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजें बताता रहता हूँ। और आए दिन जो है कि ऐसे ऐसे कानून लागू हो रहे हैं कि यहाँ पे काम करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल आ रहा है। मेरा गला जो है, मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, देख सकते हैं, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, गला बैठ गया है। और इसके बावजूद इतना कुछ देखने के लोग बाद भी जो है परेशान है कुवैत आने के लिए, तो उनके लिए क्या करना हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, नूर भाई वीजा दिला दो, वीजा दिला दो, मेरे को जो है आना है गाड़ी चलाने के काम में, घर खाते में चाय कावा, मतलब इस तरह के जो है कि मेरे से वीजा मांगा जा रहा है। तो उसी बारे में जो है चर्चा करना है इस वीडियो में कि आपको कैसे वीजा मिलेगा, क्या खर्चा आएगा, ये सारी चीजें अगर जो आप मुझसे मांग रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे वीजा मिलेगा, कहाँ से और हमसे लेंगे तो क्या खर्चा आएगा और मैं कहाँ से दिलवाऊंगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप नए हैं अगर जो मेरे चैनल पर, तो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ गाड़ी में, क्योंकि बाहर जो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, देख सकते हैं बादल, देख सकते हैं कितना बादल है, अभी बारिश का चांस है 70%। और रात भर बारिश हुआ है, तो मैं चलता हूँ गाड़ी में, आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, दिखाता नहीं हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे बीजा क्या करना है। सबसे पहला चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं एक ड्राइविंग का काम करता हूँ घर खाते में, और यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, आपको जो है कुवैत के बारे में अवेयरनेस बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें आप अगर जो पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप सोच रहे मैं एजेंट हूँ, तो एजेंट नहीं हूँ। दूसरी चीज, दो तीन बात है, पहले क्लियर कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दूसरी चीज देखिए, हम लोग ड्राइवर हैं और मेरे जहाँ रूम के आजू बाजू में बहुत होगा तो 20 घर होगा जिसको मैं जानता हूँ, और 20 घर में पहले से ही ड्राइवर हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे हाथ में वीजा साल में एक दो वीजा मिलता डायरेक्ट, जो मेरे कपिल के रिश्तेदार हैं चाहे ऐसे लोग हैं, वही मेरा कपिल ही दे रहा होता है, नहीं तो वीजा मेरे को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग घूमते नहीं है, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। जो वीजा सबसे ज्यादा किसको मिलता है, आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, कुवैत में अगर जो आप टेलर मास्टर है, जो टेलर का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, उनकी दुकान है टेलर लेडीज वगैरह जेंट्स, उनको सबसे अधिक कुवैत में वीजा मिलता है, कुवैती लोग ले आके देते हैं, चाहे सऊदी में भी कहीं भी उनको जो है सबसे अधिक वीजा मिलता है, वो लोग देते हैं। अब मैं कई लोग को, ऐसे लोग को जानता हूँ जो इसका काम करते हैं यहाँ पे, मतलब ड्राइवर तो है लेकिन घूम घूम के काम करते हैं, उनके यहाँ पता करते हैं वीजा है वीजा है वीजा, ऐसे पूछते भी हैं, हम लोग नहीं करते, तो उनसे मेरा संपर्क है। अब आप लोग भाई लोग जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे वीजा चाहिए, ड्राइविंग जॉब का दिलवा दो, चाहे घर में काम करने का दिलवा दो, चाहे मतलब कुछ भी इस टाइप का वीजा जो घर खाते में आता है, ये सारी काम जो है कि घर खाते के अंदर आता है, तो इस टाइप का वीजा अगर हमसे मांग रहे हैं, देखिए तो हमसे जो वीजा मिलेगा, आपको एक चीज की गारंटी ले रहा हूं कि आप आएंगे तो जो काम आपको बताया जाएगा, गाड़ी चलाना है, गाड़ी धुलना है, मैं किसी को भी वीजा देता हूँ तो उसके घर में जो काम होता है, चाहे जो मेरे को वीजा देता है, मैं उससे पहले पूछ लेता हूँ, भाई तेरे घर में, मेरे को घर दिखा, गाड़ी कितना है मैं खुद देखूंगा, और ऊपर से कपिल कैसा है, सैलरी, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर लेता हूँ कि टाइम से सैलरी चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, ड्यूटी जो कराना कराओ, उस गाड़ी चलवाना चलाओ, क्योंकि ड्राइवर आता है तो गाड़ी तो चलाना पड़ेगा, गाड़ी जो धुलना है पहले से बता दो, ऐसा नहीं है कि आने के बाद बताओ दो गाड़ी या हो 20 गाड़ी, ठीक है। खाने का टाइमिंग जो है, टाइम से खाना मिलना चाहिए, टाइम से सैलरी मिले, ये चीज क्लियर कर लेता हूँ, तब उससे वीजा मैं लेता हूँ। अब हमसे वीजा चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास PCC रेडी होना चाहिए, आपके पासपोर्ट में 2 साल का टाइम होना चाहिए और पैसा रेडी होना चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं झूठ वाला काम नहीं है कि आप बताऊं कुछ और हो कुछ और। आप आएंगे अगर जो हमारे थ्रू आएंगे तो देखिए, यहाँ जो वीजा देते हैं सब, यहाँ का नियम बन गया है, वो चाहे ड्राइवर के पास वीजा मिले चाहे किसी और से मिले, उनका नियम मिल गया है 100 KD 120 KD, इतना उनका खर्चा होता है, उनको चाहिए इतना, समझ रहे हैं, यानी कुवैत का जो है 120 KD, कोई 100 लेता है कोई 120 KD लेता है, वो लोग देते हैं, हमको दे देंगे चाहे जिसको देना है दे देंगे। दो ऑप्शन रखते हैं कि आप डायरेक्ट हमसे वीजा ले लीजिए, हमको 120 KD दे दीजिए, उसके बाद जो खर्चा लगता है वो सारा किस मेडिकल का, PCC का और MAC का खर्च, जो स्टम्पिंग वगैरह का होता है, टिकट का, सो आपको लगा के आना है, मतलब कुल टोटल मिलाएंगे तो 80,000 85,000 के करीब खर्चा जाता है। या फिर आपको दो ऑप्शन देते हैं,
आपको डायरेक्ट वीजा मैं वहाँ भेज देता हूँ, जिस ऑफिस में बोलनी मैं बताता हूँ वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ पे पैसा जमा करा दीजिए पहले, और आपका पैसा जमा कराने के बाद यहाँ वीजा निकल जाएगा, मैं भेज दूंगा ऑफिस पे और आप जाके वहाँ से सारा काम करा लेना। वहाँ पे आपको जो है वीजा पहुँचने के बाद इतना पैसा और वीजा पहुँचने से पहले इतना पैसा जमा कराना होता है, मतलब उसमें भी तकरीबन खर्चे वही आते हैं 80 से 85 हजार 90 हजार। लेकिन दो कंडीशन है, एक तो आपको वीजा, मान लीजिए हम वीजा आपको दे रहे हैं, अगर जो हमारे यूट्यूब से आप कमेंट कर रहे हैं चाहे इंस्टाग्राम से चाहे जैसे भी, तो मैं आपको एड्रेस लेके आपसे पहले पैसा लेते हैं सब। ऐसा नहीं है कि आपको वीजा निकलने के बाद नहीं, आप अगर जो रेडी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ कई बार हुआ है, लोग बोलते हैं अनूर भाई वीजा दिला दो वीजा दिला दो, मैंने बात कर लिया अगले से, समझिएगा, अब अगला को पैसा चाहिए, पहले पैसा फिर वीजा निकालता है, अगर जो वीजा नहीं निकलेगा तो पैसा रिटर्न कर देता है, लेकिन पहले वो प्रूफ के तौर पे वीजे का पैसा ले लेता है, 100 KD लेता है चाहे 120 KD ले लेता है, हाँ हमके दे दो तुम्हारा वीजा, दो दिन के बदले वो 5 दिन का टाइम लेता है, अगर जो 2 दिन में निकलने वाला 5 दिन का टाइम लेके निकाल के आपको दे देगा, उसका काम खत्म, ठीक है, उस आप काम शुरू होता है आपका। और एक ऑप्शन होता है कि आपका ऑफिस के थ्रू, तो पहले पैसा लगता है, मान लीजिए आपको कम से कम जो ये 100 KD का बनता है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, 100 चाहे 120 KD का, तो टोटल अगर जो हमारे थ्रू आप आएंगे तो ये एक चीज तो आप दिल से निकाल दीजिए कि नूर भाई के थ्रू आएंगे तो फ्री में मिलेगा। नूर भाई के थ्रू आने का मतलब है आप, मैं अगर जो बीजा आपको फ्री में दे दूंगा तब भी आप फ्री में नहीं आएंगे, तब भी आपका 30-35 हजार 40 हजार पहुंच जाएगा सब कुछ काम वाम करने में, लेकिन वो बीजा फ्री वाला जमाना खत्म हो गया, कोई यहाँ बीजा फ्री में नहीं देता है, सब लोग पैसा लेते हैं जितने भी ड्राइवर हैं। हाँ वही वीजा दे सकता है फ्री, चाहे आपका भाई हो चाहे आपका चाचा हो मामा हो, इस तरह के लोग हैं तो वीजा फ्री में मिल जाएगा। तो आपको आने का मतलब ये है कि आप 80 से 85 हजार रुपए पहले इकट्ठा कर लीजिए, पासपोर्ट इकट्ठा कर लीजिए, इंडिया का एक लाइसेंस बनवा लीजिए अगर जो घर खाते में आना है तो, और पासपोर्ट बनवा लीजिए, उसके बाद हमसे संपर्क करिए, PCC करा लीजिए, उसके बाद बोलिए नूर भाई हमारे पास सब रेडी है आप वीजा दिलवा दो। तो आपको क्या करना होगा, हम कहेंगे ठीक है हम पता करके आपको 2 दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर बता देंगे, हाँ ठीक है वीजा मिल जाएगा आपको, पहले 20 से 25 हजार जो भी खर्चा आता है 100 KD का 27 हजार के करीब आता है आपको डालना होगा खाते में, ये फ्रॉड वाली बात नहीं है, सीधा है डालना होगा वीजा आपका, टाइमिंग मिलेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो मिलेगा आपको दिया जाएगा, उतने दिन के अंदर आपको वीजा आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ऑफिस पे पहुंच जाएगा जहां बोलेंगे, और उसके बाद जब वीजा आपको जो है पहुंच जाएगा एड्रेस पे तो आप काम करा के चले जाइए जैसे मर्जी, वो आपकी टेंशन है। अगर जो आपका वीजा नहीं निकलता है, मान लीजिए आपने 10 दिन का टाइम हो, 1 हफ्ते का टाइम लिया, तो उसको हम लोग जो है 10-12 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि वीजा निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो पैसा वापस। तो यही कंडीशन है, जिन भाई को अगर जो वीजा चाहिए अभी भी ये वीडियो देखने के बाद उनको वीजा चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं नूर भाई वीजा है वीजा, देखिए भाई वीजा ऐसे नहीं मिलने वाला है, आप ऐसे मांगते रह जाएंगे, किसी भी यूट्यूबर से मांगते रह जाएंगे, नहीं दे पाएगा आपको, एक गारंटी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जेब में वीजा नहीं होता है, वो भी किसी और से लेके आपको देते हैं, और जो देता है वीजा वो पैसा लेता है, तो जाहिर सी बात है पैसा आपको देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का नसीब अच्छा होता है कि सऊदी कुवैती जो है टिकट दे देते हैं सब, लेकिन ज्यादातर कुवैती टिकट नहीं देते हैं सब, पहले देते थे, अभी इनका भी सिस्टम जो है बदल गया, ये भी समझ गए हैं सब, नहीं देते हैं सब, बोलते हैं आ जा इधर, जब इधर से छुट्टी जाएगा तो मैं दूंगा। तो अब वीडियो लंबा नहीं करते हैं, मेरा टाइम हो गया स्कूल जाने का, बच्चों को लाने का, और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए यार, कम से कम इस वीडियो पे 200 लाइक कर दो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया, बाय करने के बाद बता रहा हूँ कि अगर जो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, देखिए कमेंट में करेंगे, कमेंट हजारों लोगों का आता है, मैं कभी भी खाली नहीं रहता हूँ, तो खाली जब रहूंगा तब तो कमेंट पढ़ूंगा, और जब तक आपका कमेंट आएगा तब तक हजारों आ जाएगा तो आपका नीचे चला जाएगा, तो इसके लिए मैं वो कमेंट देख नहीं पाता हूँ। तो आपको क्या करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, देखिए मैं अगर जो आप डायरेक्ट बोलेंगे नूर भाई कमेंट में जो है अपना नंबर भेजो तो मैं नंबर नहीं दे सकता, आपको क्या करना है, मैं नीचे दे दूंगा लिंक मेरे इंस्टाग्राम का, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे मैं देखता हूँ, एक दिन बाद देखूं चाहे तुरंत देखूं, लेकिन देखता हूँ, देखने के बाद मैं रिप्लाई दे दूंगा, वहां पे मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए मिलते हैं, जिसको वीजा चाहिए वो कमेंट करें फटाफट।